सो हे गाइस, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वाला वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा मैजिक क्यूब स्टोर की अपडेट के बारे में। बिकॉज आने वाले 10 दिन के अंदर मैजिक क्यूब के स्टोर में 20 नए बंडल ऐड होने वाले हैं। पहला होगा 22 मार्च को, 10 नए बंडल ऐड होंगे। दूसरा होगा 1 अप्रैल को, जहां 10 नए बंडल ऐड होंगे। टोटल 20 बंडल ऐड होने वाले हैं, जिनमें कुछ रेयर बंडल रहेंगे जो कि आज तक हमारे इंडिया के सर्वर पर नहीं आए, और कुछ ऐसे बंडल रहेंगे जो कि दोबारा आने वाले हैं। तो जो जो नए नए बंडल आने वाले हैं ना, 100% कंफर्म कौन-कौन से आने वाले मुझे पता चल चुका है। तो इस वीडियो के थोड़े आगे मैं आपको बताने वाला हूं। और हां, अब आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट में ये बताइए कि आपके पास कितने मैजिक क्यूब है। जैसे कि मेरे पास 4 है, तो आपके पास कितने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिनके पास 0 होंगे, तो आने वाले अपडेट जो OB39 का अपडेट आ रहा है ना, इसमें एक ऐसा इवेंट आने वाला है जहां पर हमें एक मैजिक क्यूब या फिर मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट फ्री में मिलने वाली। तो वाला इवेंट कौन सा है, सारी जानकारी मैजिक क्यूब की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इंडियर मेरा और आप सभी का फेवरेट इवेंट पिंक डायमंड इवेंट रिटर्न आने वाला है, और ये मैंने गरी ना फ्री फायर ने खुद हमें बताया है। ये जो गेम के अंदर अपडेट दिए ना, वो भी 39 अपडेट की पेज में क्या क्या नए नए चेंजेस किए जाएंगे। वहां पर जो हमारे गेम में लॉबी है रमदान इवेंट की, उस लॉबी में हमारे जितने भी अपकमिंग इवेंट है वो दिखाया गया है। जैसे कि यहां पर ध्यान से देखो, हमारा जो अलवारो अवेकन कैरेक्टर आने वाला है उसका एक इवेंट है, देन उसके बाद पिंक डायमंड का इवेंट है, देन उसके बाद हमारा ओरियन कैरेक्टर का इवेंट है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इस अपडेट में पिंक डायमंड का इवेंट भी आने वाला है। तो पिंक डायमंड इवेंट की कंफर्म डेट इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। वाह, क्या सीन है। एंडियर, अब मैं आपको इस अपडेट में आने वाले ऐसे चेंजेस बताने वाला हूँ जिन्हें जान करके आपको मजा ही आ जाएगा। तो पहले नंबर का चेंजेस ये है कि इस अपडेट के बाद में रैंक या फिर क्लासिक गेम खेलते हुए हम किसी इनिमी को किल करेंगे, तो जैसे उसका लूट बॉक्स बनेगा, उस लूट बॉक्स के 5 मीटर की रेंज में हम जैसे जाएंगे, तो उसके लूट बॉक्स से एक आत्मा निकलेगी या फिर एनिमेशन बोल सकते हो, और वो वाला एनिमेशन हमसे टकराएगा। और जैसे ही टकराएगा, तो यहाँ पर देखो मेरे पास पहले 7 ग्लूबॉल थी, और जैसे ही एनिमेशन या फिर आत्मा टकराएगी तो मेरे पास एक ग्लूबॉल एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब 7 ग्लूबॉल से 8 ग्लूबॉल हो गई। तो इस अपडेट के बाद में हम लोग जितने किल करेंगे उतनी ग्लूबॉल हमें मिलते जाएगी। तो ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो यार, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक गुड न्यूज, और वो ये है कि फ्री फायर और BGMI कमबैक करने वाले, मतलब कि अनबैन होने वाले हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें ग्रीन झंडी दिखा दी है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन चेंज होगी और इसकी कंफर्म डेट क्या है कि कब रिटर्न करने वाले हैं, तो सारी जानकारी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अनबैन से रिलेटेड। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रमोशन पार्ट है, उस पार्ट को देख लो, एक्चुअली मेरा गेम प्ले ही है, उसको देख लो, देन वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस, जैसा 50+ तरह में क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए race365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24-hour कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चन है जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसिडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। 2 seconds later. तो यार, वीडियो के टॉपिक की ओर रिटर्न आ जाते हैं। तो यार, अभी मैं आपको ये बताने वाला था ना कि BGMI और फ्री फायर कमबैक करने वाले हैं, अनबैन होने वाले हैं, तो उसकी कुछ रिपोर्ट बता देता हूँ। तो आपने न्यूज चैनल तो सुना ही होगा, News18, उन्हीं की रिपोर्ट निकल कर आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है BGMI को कि वो 3 महीने के अंदर अनबैन हो सकते हैं। तो BGMI को परमिशन दिया है, तो ऑब्वियसली हमारे फ्री फायर को भी देने वाला है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। पहली कंडीशन ये होगी कि गेम में कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, मतलब कि नो ब्लड। दूसरा, इसका जो सर्वर है हमारे इंडिया में ही रहना चाहिए। तीसरा, प्ले टाइम में लिमिटेशन लगनी चाहिए, लाइक 4-5 घंटे ही हम लोग गेम खेल पाए। तो गाइस, ये पूरा का पूरा आर्टिकल इस वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी 3 टर्म एंड कंडीशन अभी पब्लिकली बाहर निकल कर आए, और कुछ मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो वाली न्यूज सुनकर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो यार, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक बनी बंडल के बारे में, बिकॉज ये वाला बंडल कभी भी हमारे गेम में टपक सकता है। और वो क्यों आपको बताएं, बिकॉज फ्री फायर का SSL सर्वर है, उन लोगों ने वाला पोस्ट किया और बोला कि इस पोस्ट के नीचे 3000 कमेंट्स चाहिए। तो इस पोस्ट के नीचे 3000 कमेंट्स हो चुके हैं, तो फाइनली ये वाला बंडल हमारे गेम में रिलीज होने वाला है। तो ये वाला ब्लैक बनी बंडल इस टाइप के रिंग इवेंट में आने वाला है, और इस टाइप के रिंग इवेंट में भाई बहुत ज्यादा डायमंड लगते हैं बंडल को निकालने के लिए। तो कौन कौन ये वाला बंडल निकालने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यार, इस वीडियो में अभी बहुत सारी कमाल कमाल की जानकारी है, लेकिन उसके पहले आपको ये तो पता ही होगा, अभी मेरे हर एक वीडियो में फ्री फायर की मीम रहती है। तो इस वीडियो में भी मेरे मीम की पिटारे से एक और मीम आप लोगों के लिए पेश है। जब भी आप फ्री फायर खेलते हो तभी आपका फ्रेंड कॉल कर देता है, खास करके तब जब आप किसी स्क्वाड के साथ फाइटिंग कर रहे हो, तब हमारे मुँह से जो रिप्लाई निकलता है ना दोस्त के लिए, अब बोल ना।
तो यार क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब आप गेम खेल रहे हो और तभी आपके किसी फ्रेंड ने कॉल कर दिया, फिर किसी ने भी कॉल कर दिया और उसको बहुत ही गुस्से से रिप्लाई देने का मन कर रहा हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय द वे वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़े उसके पहले आपको एक चीज याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज लाइक करने में पता है आपको सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगता है और लाइक करना फ्री भी होता है। और चैनल पर नए हो तो इसी अमेजिंग और प्यारी सी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। तो चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इस अपडेट में आने वाले कुछ और नए मजेदार चेंजेस। तो सबसे पहले नंबर का चेंजेस है बनफायर के ऊपर में, और इसे अभी मैं आपको बिफोर और आफ्टर के माध्यम से समझाने वाला हूँ। मान लो अभी आप क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो और आपके पास 3 बनफायर है, आपने 1 बनफायर जलाई, आप लोग उसके जस्ट सेकंड बाद दूसरी बनफायर जला लोगे, उसके जस्ट सेकंड बाद तीसरी बनफायर जला लोगे। लेकिन ये जो अपडेट आ रहा है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? आने वाले अपडेट में मान लो आपने 1 बनफायर जलाई, उसके बाद आपको 3 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी बनफायर जला पाओगे, उसके बाद फिर से दूसरी बनफायर जलाने के लिए 3 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो बनफायर में 3 सेकंड का कूल डाउन टाइम जो है वो ऐड कर दिया जाने वाला है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। एंड यार अब जो दूसरे नंबर का चेंजेस है वो है कस्टम प्लेयर के लिए। मान लो आपने गेम ओपन किया और आपके किसी फ्रेंड ने आपको कस्टम के लिए इनवाइट किया और आपने क्लिक करके उसके कस्टम में चले गए, लेकिन आप कैरेक्टर की एबिलिटी और ड्रेस चेंज करना भूल गए। तो अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो आप लोगों को कस्टम को डिसबैंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद चेंज करके आना पड़ेगा। लेकिन आने वाले अपडेट में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जस्ट ऊपर कस्टम के बाजू में होम का बटन रहेगा, उस पर क्लिक करना है, देन आप लोग लॉबी का फुल मजा ले सकते हो। यहाँ पर वॉलेट में जाकर के ड्रेस चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर में जाकर के कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, इवेंट पर जाकर कोई इवेंट कंप्लीट करना रहा उसे भी कंप्लीट कर सकते हो, और दोबारा कस्टम पर जाना है तो यहाँ पर एक ऊपर इन रूम के नीचे एक एरो का बटन रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली कस्टम पर चले जाओगे। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपने वो वाला कस्टम खुद बनाया है तो आपको ये वाला फीचर देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी और के कस्टम में हो तो आप लोग फुल मजे ले सकते हो। तो यार अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजा आया। तो यार अब मैं आपको बताने वाला हूँ पिंक डायमंड इवेंट की कंफर्म डेट। तो यार जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि गरीना फ्री फायर ने खुद हमारे गेम के अंदर जो इवेंट वाले सेक्शन में है ना, ये वाली अपडेट दिया है कि जो आने वाली फ्री फायर की लॉबी है उस लॉबी में पिंक डायमंड इवेंट का आइकॉन दिखाया है, जिसका मतलब ये तो 100% कन्फर्म हो गया कि हमारा पिंक डायमंड इवेंट वापस आने वाला है। अगर फनी शब्दों में कहूं तो पिंक डायमंड मौसी की शादी में गया था, बहन की शादी में, एक्स की शादी में, गर्लफ्रेंड की शादी में, जिसकी शादी में गया था या फिर एग्जाम देने गया था वहां से वापस आ चुका है। लेकिन इसकी जो कन्फर्म डेट है ना वो निकल कर आ रही है अलवारो इवेंट के बाद में, मतलब कि अलवारो इवेंट 24 मार्च को आने वाला है, उसके बाद में हमारा पिंक डायमंड का इवेंट आएगा। तो लगभग ये वाला इवेंट अप्रैल महीने के आसपास हमारे गेम में आने वाला है। तो अप्रैल में जब ये वाला इवेंट आएगा तो कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे, जिससे लिस्ट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। अभी इतनी जानकारी मिली थी तो सो मैंने आपको शेयर कर दी। आई होप आपको ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। 2 seconds later. तो यार अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैजिक क्यूब स्टोर की अपडेट। तो यार मैजिक क्यूब के स्टोर में 20 नए बंडल ऐड होने वाले हैं और ये 200% कंफर्म हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको जो जो बंडल बताने वाला हूँ ना, यही बंडल हमारे नेक्स्ट मैजिक क्यूब के स्टोर में आने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा डाउट है कि अपडेट 22 मार्च को भी आ सकता है, 1 अप्रैल को भी आ सकता है, लेकिन 20 बंडल कंफर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि 22 मार्च को अपडेट आए 10 बंडल ऐड हो जाए उस दिन, और 1 अप्रैल को अपडेट आए उस दिन 10 बंडल ऐड हो जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन 20 बंडल 100% कंफर्म हो गए। तो वाले बंडल कौन से है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला बंडल है राउडी सिरुलर, दूसरा है गोथिक टेडी बंडल, बीस्ट आर्म म्यूटेंट, बीस्ट आर्म क्लोन, लेगियोनरिस मेल का बंडल, वल्काइरी फीमेल का बंडल, मिस्टिक सीकर बंडल, एरकेन सीकर बंडल, रिवेंज फुल लेदर बंडल, एवेंज फुल लेदर बंडल, एलसी कमांडर बंडल, एलसी कोलोनल बंडल, द एज ऑफ गोल्ड और द ईरा ऑफ गोल्ड बंडल, कैप्टन पनिशर, मैडम पनिशर बंडल, द कोलोसस बंडल, सिल्वर टाइटन बंडल, स्कारलेट ग्रूम बंडल, रूबी ब्राइट बंडल। तो अभी मैंने आपको ये जो 20 बंडल बताया ना, यही बंडल ऐड होने वाले हैं। और लीक्स और मेटा के हिसाब से इस वाले अपडेट में हमको एक मैजिक क्यूब या फिर मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट फ्री में मिलने वाली है। हो सकता है कि रमदान इवेंट आ रहा है, उस रमदान इवेंट के दौरान हमको फ्री में मैजिक क्यूब मिल जाए, या फिर किसी न किसी इवेंट के दौरान हमको फ्री में मैजिक क्यूब मिलने वाला है। तो 22 तारीख को हमारे गेम में OB39 का अपडेट आने वाला है। तो जैसे गेम को अपडेट करेंगे मुझे आने वाले जितने भी अपकमिंग इवेंट है सबके बारे में पता चल जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यार इस वीडियो में इतनी जानकारी रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।